हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जो अभी अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर गया है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, पेपर का डिफ़िकल्टीज लेवल कैसा था, उसके हिसाब से आप कितना सॉल्व कर पाते हो, ऑल ओवर कैंडिडेट से कितना सवाल हो सकता है और कितने कट ऑफ जा सकते हैं। 2018-19 का भी सेक्शनल कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं बात करूँ तो ये 2018-19 का जो है सेक्शनल कट ऑफ है, 2018-19 का है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 2018-19 का है। आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रही हूँ, तो सेक्शनल कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैटेगरी 10.25 एंड ओबीसी एसटी एंड एसटी के लिए गया था 6.50। तो आप देख सकते हो ये क्या था, ये आपके बेस करता है कि आपका लेवल कैसा था। ये जो लेवल था ये काफ़ी टफ लेवल था, बिकॉज मोर देन 6 मंथ बिफोर का आपको जनरल अवेयरनेस पूछा गया था इसमें, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टूडेंट कट ऑफ जो होता है, बेसिकली आप कट ऑफ लेवल बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना ही कट ऑफ किसी स्टेट का जाने वाला है, क्योंकि अभी अभी पेपर गया है, कौन से सवाल कैसे थे उसके बेस पे हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इस बार का डिफ़िकल्टीज लेवल एज़ कम्पेयर टू 18-19 थोड़ा लो था, मॉडरेट था। तो मैं बात करूँ कि जैसे क्या क्या सवाल आए थे उसके हिसाब से आपको भी पता लग सकता है कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। जैसे बात करूँ तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको पूछा गया था, तो हिमाचल प्रदेश में था। एंड वर्ल्ड पल्सेस डे आपसे पूछा गया था, वो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, तो वो कहाँ था, बेल्जियम में था। तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे, जैसे आपका नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी पूछा गया था। और ये किसके मतलब किसके बर्थडे पे या फिर सेलिब्रेट किया जाता है, स्वामी विवेकानंद के नाम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे हेमंत सोरेन कहाँ के सीएम है, तो झारखंड के सीएम है। नेशनल साइंस कांग्रेस 2020 कहाँ हेल्ड हुआ, तो वो बेंगलुरु में हेल्ड हुआ था। ऐसे ऐसे कुछ सवाल थे जो बहुत ज़्यादा करंट में पढ़े गए थे हम लोग के द्वारा, तो इसके लिए थोड़ा मॉडरेट हो जाता है क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में हम 40 से तो आप कर ले जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 40 अब तो कर ही ले जाएंगे। तो 40 to 45 मेरा अंदाज़ा है कि ये 40 to 45 तक ऑल ओवर स्टूडेंट कर ले जाएंगे इसमें। अभी मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांट सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे बदलाव आते रहते हैं हर ईयर का आप देखें तो। मैं 2018-19 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो 2018-19 में जनरल कैटेगरी का 15.50 था एंड ओबीसी एससी एसटी का आप देख सकते हो तो 12.75 था। तो इस बार भी आपका जो क्वांट सेक्शन था वो मॉडरेट रहा है। जैसे मैं बात करूँ तो डीआई आया था, 4 डीआई आए थे, 20 मार्क्स का डीआई था, उसमें टेबुलर डीआई ले लो, कैसलेट डीआई ले लो, पाई चार्ट ले लेते हैं, लाइन ग्राफ, तो ये सब आपका डीआई था 20 मार्क्स का। तो ये अच्छे से आप करके जा रहे हो, प्रिपेयर होके जा रहे हो, तो आउट ऑफ 20 तो आप 18-19 या फिर 20 भी ला सकते हो इसमें। एंड बात करूँ तो डीएस था, डेटा सफिशिएंसी था, तो काफ़ी अच्छे सवाल थे जो आप कर ले जाओगे। तो मतलब एज़ कंपेयर किया जाए तो स्टूडेंट 30 to 35 तो कर ही लेंगे, ये मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 30 to 35 तो स्टूडेंट कर ले जाएंगे क्वांट में। तो आप देख सकते हो उसमें 40 to 45 बताया मैंने, इसमें 30 to 35 बताया। अब रीजनिंग एंड कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, पजल्स, सिलॉग्स, कोडेड इनक्वालिटीज़ आया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2018-19 का जो था, 2018-19 का तो सेक्शनल कट ऑफ गया था वो 17.75 गया था एंड ओबीसी एससी एसटी की बात करूँ तो 14.50 गया था। इस बार की बात करूँ तो पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। पजल्स आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स थे, सिलॉग्स भी थे, सिलॉग्स थे 5 मार्क्स के, कोडेड इनक्वालिटीज़ थे,
5 मार्क्स के, एंड डायरेक्शन था वो भी आपका 5 मार्क्स का था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आए थे आपके, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थे वो भी 5 मार्क्स के थे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये भी आपका सेक्शन मॉडरेट रहा था। एंड इसमें 30 टू 32 क्वेश्चन जैसा आप लोग कर सकते हो, 30 टू 32 आप क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, इजिली आप कर ले सकते हो। इंग्लिश सेक्शन की बात की है तो इंग्लिश ठीक रहा, मॉडरेट लेवल रहा था। ये 2018-19 का है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, 2018-19 का है ये, जिसमें जनरल के लिए 12.50 एंड ओबीसी के लिए 9.25 गया था। इस बार का लेवल भी थोड़ा मॉडरेट टू टफ रहा था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, उनके बीच का लेवल रहा। तो ये 40 मार्क्स का आपका होता है, तो इसमें आपका एक दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, एक जो था AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था, जो काफ़ी अच्छा मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। ये ऑलरेडी पिछले जो न्यूज़पेपर होते हैं, पुराने न्यूज़पेपर, उसमें ऑलरेडी आया था, ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको रीड करने चाहिए, उसी के बेस पे आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था जो 5 मार्क्स के थे, और क्लोज टेस्ट था वो 5 मार्क्स के थे, एरर डिटेक्शन वो भी आपका 5 मार्क्स जैसा था। तो एंड फिलर्स की बात करो तो फिलर्स भी आए थे इसमें, तो इसमें देखा जाए तो थोड़ा टफ था, आई थिंक फिलर्स टफ थे ऐसा मुझे पता चला है। तो आप देख सकते हो इसमें आप मोर देन 20 बोल सकती हूँ, या फिर ये तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कि मतलब आप सेफ जोन कहाँ तक ले जा सकते हो। मैं ऐसा मेरा मानना है कि 100 to 110 करके आ रहे हो आप, तो ये आपका सेफ जोन है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 100 to 115 भी हो सकता है, क्योंकि स्टेट वाइज ये वेरीज करेगा कट ऑफ। जैसे कोई कोई स्टेट में 95 to 100 भी जा सकते हैं, 100 to 105 भी जा सकते हैं, 100 to 110 भी जा सकते हैं, तो ये काफ़ी वेरीज करता है। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल रही हूँ 100 to 120 के बीच में, आप 100 to 120 के बीच में आप कर रहे हो, करके आए हो, तो आपका वो सेफ जोन है, आप ज़रूर से कर ले जाओगे। किसी किसी स्टेट में ऐसा भी होता है कि कम कट ऑफ भी जा रहा है, 90 to 95 भी जाएगा, 90 to 100 भी जाने वाला है, आउट ऑफ 200 की मैं बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि इतने क्वेश्चंस आप करके आए हो, तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरा पूरा डिस्कशन इसी पे बेस्ड था। आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले रिव्यू के साथ, अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।